देखिए, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों से पता होगा फिजिक्स का वीडियो अपलोड हो चुका है। देखिए, अभी मैं केमिस्ट्री का वीडियो शूट कर रहा था, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो फिर से स्टार्ट हो गया। देखिए, टीचर में कितनी ढेर होता है कि एक बार वीडियो शूट करने पर वो डिलीट हो गया, टेक्निकल इशू की वजह से सेव हो गया उतना सा, तो बिना उसके कितना पेशेंस रहता है टीचर में कि वो फिर से आपके लिए दोबारा शूट कर रहा है। चलिए थोड़ी जल्दी से इधर देख लेते हैं, फिर आगे बताएंगे। जैसे केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे इधर, तो रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति में शब्द के कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ काला रंग, उसके अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता है। रासायनिक संघटन के आधार पर द्रव्य के तीन प्रकार होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ द्रव मैटर। तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्रण। तत्व क्या कहलाते हैं? द्रव की अवस्था जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बने तत्व पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? सोडियम एक धातु होती है, कार्बन। द्रव क्या है? पारा, गैलियम, ब्रोमीन। गैस क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यौगिक क्या है? कंपाउंड। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। जैसे जल क्या है? यौगिक है, H2O एक यौगिक है निश्चित अनुपात में। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों तत्वों या यौगिक या दोनों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। इन अवयवी पदार्थों को शैल, यांत्रिक और भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे वायु अनेक गैसों एवं धूल कणों का मिश्रण है, पीतल, तांबा या जस्ता का मिश्रण है। सभी सामांगी मिश्रण विलयन होते हैं। मिश्रण के प्रकार दो होते हैं, सामांगी होमोजीनियस मिक्सर और विषमांगी हेटेरोजेनियस। प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान होता है। इसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान नहीं होते हैं। विलयन क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे सामांगी मिश्रण जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, विलयन कहलाते हैं। और विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, यानी सॉल्वेंट, वो मिलाने का काम करता है। कम मात्रा में पदार्थ को विलेय कहते हैं, वो उसमें घुल जाता है। अब स्थायी मूल कण, अस्थायी मूल कण। स्थायी मूल कण क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अस्थायी मूल कण क्या है? मेसान कण, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो वैज्ञानिक हैं, जिनकी खोज करता है, उनका नाम याद रखने के लिए एक कोड होता है कि ईटा पढ़ना। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन भी बोलते हैं और थॉमसन भी बोलते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक या गोल्डस्टीन। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, किसी तत्व के परमाणु के नाम अवस्थित। प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक या संख्या कहलाती है, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है? किसी तत्व के परमाणु के नाम अवस्थित। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए, इतना टॉपिक फिर से मैंने रिवाइज किया, कवर किया टेक्निकल इशू की वजह से। अब हम लोग देख लेते हैं, एक समस्थानिक होता है, दूसरा क्या होता है? संभारिक होता है। समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप और संभारिक को आइसोबार। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी विधियां बताएंगे आप लोग, याद करने की ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में। समस्थानिक परमाणु क्या कहलाते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है द्रव्यमान भार भी, मान लो, ठीक है? मतलब जो देखिए, इधर देखो, एक समस्थानिक और संभारक। संभारक में क्या होता है कि इनके भार समान होते हैं। संभारक में क्या होते हैं कि द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार इनके समान रहेंगे और परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहेगी। एक ही तत्व के परमाणु संख्या जिनकी परमाणु संख्या समान हो, इधर क्या होगा समस्थानिक में कि परमाणु क्रमांक, उसी को परमाणु संख्या भी बोलते हैं, ये तो समान रहेगी, बट द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार भिन्न रहते हैं। हाइड्रोजन की तीन समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटेनियम। यह समस्थानिक रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन। संभारक क्या है? आइसोबार। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या यानी परमाणु संख्या भिन्न हो, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान भार समान हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो संभारक होते हैं। याद हो गया ना?
पृथ्वी पाए जाने वाले तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने 1902 में मैडम क्यूरी और उनके पते पति पीर क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिचवलैंड में 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। इन लोगों को पूरे परिवार को नोबेल पुरस्कार मिला है, मैडम क्यूरी को, पति पीरे क्यूरी को। और रेडियम नामक रेडियो सक्रिय तत्व की खोज मैडम क्यूरी और पीरे मैडम क्यूरी व पीरे पीरे क्यूरी ने की थी। रेडियम रेडियम क्या कहलाता है? जो घड़ी में रात्रि में चमकता रहता है, तो हम लोगों को ऐसे फील होता है रेडियम से कई घड़ियों में कि हम लोग सोचते हैं कि लाइट जल रही है, यानी ऐसा पदार्थ जो अंधकार में भी चमके, अंधेरे में भी चमके। हाँ नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी क्या कहलाती है? किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन को इंग्लिश में नाभिकीय फ्यूजन बोलते हैं, नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एक बड़े परमाणु का दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विखंडन, दो हल्के परमाणुओं के एक भारी नाभिक परमाणु में संलयन। सीधा समझो कि विखंडन में विखंडित हो जाता है कि कोई बीज स्फुटन होगा, कली बिखर जाएगा, और संलयन में क्या होगा कि चिपक जाएगा, एक हो जाएगा। विखंडन प्रक्रिया सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है, ठीक है। और नाभिकीय संलयन क्या होती है? कि सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है। विखंडन प्रक्रिया में दो परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। दो या दो से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 लाख गुना अधिक होती है। विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 लाख गुना अधिक होती है। यानी परमाणु बम संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से 3 से 4 गुना अधिक होती है। हाइड्रोजन बम संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से 3 से 4 गुना अधिक होती है। हाइड्रोजन बम प्रथम परमाणु बम का निर्माण रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1945 में किया। परमाणु बम का पहली बार प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध, अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1900 द्वितीय विश्व युद्ध 6 अगस्त 1945। देखो, एक 6 अगस्त और 9 अगस्त में हुआ था परमाणु बम का पहली बार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर किया गया था, लिटिल बम और एना फैटी ऐसा कुछ करके है, नागासाकी नगर पर किया। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान पर किया गया था परमाणु बम। अब हाइड्रोजन बम क्या है? एडवर्ड टेलर यूएसए 1952 में इसके आविष्कार यानी खोज करता है। निर्माण प्रक्रिया हाइड्रोजन के समस्थानों को ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है। ऑक्सीकरण अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये अपचयन क्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण अपचयन किसी परमाणु अणु या आयनों से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात परमाणु अणु या आयन पर धन आवेश का मान बढ़ जाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धन आवेश का मान बढ़ जाता है, तो ऋण आवेश का मान क्या हो जाएगा? ऋण आवेश का मान कम हो जाएगा। किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। अर्थात धन आवेश के मान में कमी और ऋण आवेश के मान में वृद्धि होती है। जैसे इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं तो धन आवेश आएगा, और लिथियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो ऋण आवेश आएगा। Na और ये एल्यूमिनियम है, ये सोडियम है।
ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त प्रक्रिया जो ऑक्सीकरण होता है यानी धनायन, अपचयन यानी ऋणायन घटित होता है, ये संयुक्त प्रक्रिया रेडॉक्स प्रक्रिया कहलाती है। -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। 273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप, जैसे क्वेश्चन आ गया परम शून्य ताप किसे कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस, या सपोज दैट वो ऑप्शन में नहीं है तो 0 केल्विन को भी परम शून्य ताप की उपाधि दी गई है। जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है तो उस वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब या एक वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं, कहते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण एसिड अम्ल को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा है सब, अम्ल को बोलते हैं एसिड, क्षार को बोलते हैं बेस, साल्ट को बोलते हैं लवण। तो अब एसिड अम्ल को देख लेते हैं, एक होता है अनिल, अनिल यानी अम्ल क्या करता है, एक कोड होता है अम्ल का, क्या कोड होता है, अनिल या ए बी रोड बोल दो, अनिल यानी अम्ल क्या करता है, नीले को किस में परिवर्तित कर देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है, एक कोड है सब। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं, इसे आर्हीनियस आयनिक सिद्धांत कहते हैं। अम्ल का स्वाद क्या होता है, ये इनका स्वाद खट्टा होता है, ये मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे कोई एक पेपर लेंगे तो मिथाइल ऑरेंज नीले लिटमस को, नीला लिटमस पेपर रहेगा तो क्या कर देंगे, अम्ल नीले को लाल कर देंगे। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, जो अम्ल होगा जैसे H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब अम्ल हैं, इनका pH मान किससे 7 से कम होगा, जलीय विलयन विद्युत अम्ल के जलीय विलयन क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। अब हम लोग देख लेंगे क्षार, क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन यानी OH आयन, वो धनायन है थे ऑक्सीजन ऋणायन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, इसे आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होते हैं, वो क्या होते थे, अम्ल खट्टे होते थे, और ये क्षार क्या होते हैं, कड़वा होता है। ये फेनोफथलीन को गुलाबी और ये उल्टा कर देते हैं, ये क्या करेंगे, इसका कोड भी अनिल है, बट ये क्या करेंगे कि लाल को नीले में कन्वर्ट, इधर से करेंगे उल्टा, लाल लिटमस पेपर को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं, मतलब लाल को नीला करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को पीला। इनका pH मान 7 से अधिक होता है, जो अम्ल होते हैं उसका पीएच मान 7 होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, यह एक संख्यात्मक मापांक होता है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं। पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच होता है, कितना होता है, पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। जब पीएच मान 7 से अधिक 7 होता है, फिक्स होता है एक्यूरेट, तो वह उदासीन विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है, उदासीन विलयन कहलाता है। अब देखिए अम्ल कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। चलिए अम्ल की बात करेंगे हम लोग, कि एक एस्टिक अम्ल होता है CH3OH, एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल स्रोत क्या है, सिरका, सिरका को एस्टिक अम्ल में कन्वर्ट। एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल किस में रहता है, सिरका में कौन सा रहता है, एस्टिक अम्ल, एक क्वेश्चन पूछे ले जाए। एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी यानी खट्टे फलों में, आंवला में कौन सा अम्ल रहता है, एस्कार्बिक अम्ल, खट्टे फलों में और प्याज में भी एस्कार्बिक अम्ल रहता है। अब पूछ लिया जाता है कभी कभी कंपटीशन में कि सिट्रिक अम्ल, एक दे देंगे क्वेश्चन कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑप्शन में दे देंगे संतरा नींबू आदि खट्टे फलों में, तो जहाँ संतरा नींबू खट्टे फल रहेंगे तो सही कर देंगे, मीठे फल में नहीं होगा। जो सेम में अम्ल होता है उसको मैलिक अम्ल बोलते हैं। इमली और टार्टरिक अम्ल किस में होता है, इमली अंगूर कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, पालक में होता है और चने की पत्ती में, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होगा, टमाटर में, पालक में, चने की पत्ती में। लैक्टिक अम्ल,
लैक्टिक अम्ल किस में रहेगा? दही में रहेगा। मेथेनोइक अम्ल व फार्मिक अम्ल, चींटी में क्या होता है कि मेथेनोइक अम्ल होता है और फार्मिक अम्ल होता है। फास्फोरिक अम्ल किस में होगा? कोको कोला में, जो कोको कोला हम लोग पेय पदार्थ में ग्रहण उसको में फास्फोरिक अम्ल होता है। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटायरिक अम्ल होता है। तो ये थे हम लोगों के अम्ल जिनका पीमान 7 से कम होता है। तो बहुत बड़ी है। नहीं, 99 चलो, बहुत से बहुत 15 मिनट और लगे, केमिस्ट्री आप लोगों की पूरी हो जाएगी। लवण, साल्ट, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। प्रायः ठोस होते हैं तथा इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं तथा जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जैसे सेल वगैरह में नहीं रहता सोडियम क्लोराइड, नमक मिला देते हैं तो बिजली वो बनते हैं धनायन ऋणायन। सोडियम क्लोराइड, लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड को NaCl, N से सोडियम, Cl से क्लोराइड, नमक का उपयोग सोडियम क्लोराइड लवण के रूप में करते हैं। अब लवण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 NH2O, सोडियम बाई कार्बोनेट को NaSCO3 बेकिंग पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3 घन पाउडर और अस्तबाजी। अस्तबाजी में क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3 घन पाउडर अस्तबाजी। और कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, कीटाणु नाशक और विद्युत लेपन को कॉपर सल्फेट बोलते हैं। जैसे अब ये सारे लवण हैं, फिटकरी, फिटकरी का सूत्र बहुत याद करना पड़ता है, K2SO4 Al2SO4 2×3 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसको पोटास एलम भी बोलते हैं और फिटकरी बोलते हैं। इसका यूज क्या है? खून बहना रोकने हेतु, चमड़े की रंगाई में। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl नौसादर, उर्वरकों कपड़ों की रंगाई में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, देख लेते हैं एक बार लवण का। जैसे सोडियम क्लोराइड का यूज नमक, और कास्टिक सोडा में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। धावन सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग पाउडर, देखो एक धावन सोडा होता है, एक कास्टिक सोडा होता है, और एक क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है, धावन सोडा खाने वाला सोडा। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अस्तबाजी वगैरह होती है तो नीले रंग का प्रकाश होता है, वो सब पोटेशियम स्ट्रॉन्शियम वगैरह के कारण नीली लौ होती है। गन पाउडर में पोटेशियम का इस्तेमाल होता है। और कीटाणु नाशक कॉपर सल्फेट विद्युत लेपन में। पोटास एलम और फिटकरी, खून अगर बह रहा है आप लोगों ने देखा होगा सेविंग बनती है तो ब्लेड वगैरह है कुछ छुरा वगैरह लग जाता है तो नाई क्या करता है जल्दी से फिटकरी वहां पे घिस देती है, घिस दिया जाता है। एक लवण होता है जिससे खून का बहाव रुक जाता है यानी रुधिर को रोक देता है। एक नौसादर होती है जो कपड़ों की रंगाई वगैरह, जैसे कोई बेड शीट है तो उसमें फूल वगैरह निकलना, डिजाइन निकलना कपड़ों की चादर वगैरह में। अब हम लोग बात करेंगे अकार्बनिक रसायन की। अकार्बनिक रसायन क्या होती है? देखो केमिस्ट्री में एक कार्बनिक रसायन होती है, एक अकार्बनिक रसायन होती है, वो जनरल रसायन हो गई। अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। कार्बनिक में उस सहसंयोजकता बॉन्ड बनेंगे उसको कार्बन यानी ऑर्गेनिक बोलेंगे। अब अकार्बनिक मेंडली की आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। सदा मेंडलीव ने तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों यानी आवर्त होते हैं 9 ऊर्ध्वाधर कालों वर्गों में सारणीबद्ध किया है।
मूजले की आदलिक अवस्थाएं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण और उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का मूल आधार। इसमें 60 क्षैतिज कतारें आवर्त और 18 ऊर्ध्वाधर कतारें वर्ग होते हैं। आवर्त और वर्ग, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस होती है, इनसाइड गैस। इसको नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। परमाणु संख्या 58 से 71 तक तथा 90 से 103 तक वाले तत्वों के आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग कतारों में रखा। प्रत्येक आवर्त का प्रत्येक सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस यानी इनसर्ट गैस, उसको नोबल गैस भी बोलते हैं। परमाणु संख्या 58 से 71 तक 90 से 103 वाले तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग कतारों में रखा गया है। परमाणु संख्या 58 से 71 तक तथा 90 से 103 तत्व वाले तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग कतारों में रखा गया है। शून्य वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट या अक्रिय गैस। देखो इसका कोड होता है HeNaR कृष्णन। जब आप लोग इंटर में पढ़े होंगे या 11th में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सर जी लोग नोट्स बनवाए होंगे और ये सब कोडिंग वगैरह लिखाए होंगे। HeNaR कृष्णन यानी HeNaR कृष्णन का मतलब होता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान और गणित। अगर कोई 11th में है या 10 पास करके 11th में जाना चाहता है तो उसमें मैं मैसेज डाल दे कि सर हम 11th में हैं। हो सकता है कि अगले वर्ष तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास, जो लोग ऑफलाइन 1,000 2,000 देना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं पैसों की कमी के कारण, आप लोगों को पूरा कोर्स ऑनलाइन लिखवाया जाएगा। बैच रहेंगे हाई स्कूल इंटर, जैसे फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू वाले की फैसिलिटी है सर के फिजिक्स वाले, तो उसी प्रकार से हम अपनी पीएस एकेडमी पर भी ये फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे कि हर गरीब वर्ग तक ये वीडियो पहुंच सके जो लोग दूर हैं। HeNaR कृष्णन होता है यह वर्ग आईए उपवर्ग की क्षार धातुएं, अत्यधिक विद्युत धनात्मक और बीआईबी उपवर्ग के हेलोजन तत्वों, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक के मध्य सेतु का कार्य करता है। अब धातुएं मेटल्स क्या होती हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातुएं आघात वर्तनी यानी मेलिएबल होती हैं। सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनी होती है, मतलब सोना, सिल्वर, गोल्ड और वो गोल्ड एंड सिल्वर सर्वाधिक आघात वर्धनी होते हैं। धातुएं तन्य यानी डक्टाइल होती हैं, जिनसे पतले तार खींचे जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? पतले तार खींचे जा सकते हैं। ये विद्युत व ऊष्मा की संचालक होती हैं धातुएं। चांदी सर्वोत्तम चालक, बेस्ट इंडिकेटर, सर्वोत्तम चालक होती हैं चांदी। शीशा निम्नतम चालक होती है, शीशा क्या होता है? निम्नतम। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती हैं? ठोस होती हैं, बट कुछ अपवाद हैं जैसे पारा, HG पारा, गैल्मियम GA, CGM CS। पारा में अगर लोहा डालेंगे तो क्या होगा? पारा में तैरेगा, पारा द्रव में लोहा भी डालेंगे तो तैरेगा। गैलियम, सीजियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अपवाद क्या है? द्रव में पाई जाएंगी, पारा, HG, गैल्मियम जीए और सीजियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। विभिन्न धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं, जैसे धातु और अयस्क। सोडियम के कितने अयस्क हैं? सोडियम के 1 2 3 4 5 अयस्क हैं। सोडियम के यानी ये देखो, साधारण नमक सोडियम का अयस्क है NaCl, सोडा एस Na2CO3, चिली साल्फिट Na2CN3, क्रायोलाइट Na3, AlF6, बोरेक्स Na2B4 O7 10H2O, पोटेशियम के सिलिविक KCl और सोनाइट K2SO4, कार्नेलाइट KCl MgCl2 और 6H2O, मैग्नीशियम Sg, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलामाइट MgCO3, CaCO3,
कार्डियोलाइट KCl MgCl2 6H2O, किजेराइट MgSO4 H2O और कैल्शियम CA, जिप्सम CaSO4 2H2O, लाइमस्टोन CaCO3, एल्युमिनियम बॉक्साइड Al2CO3 H2O, डाइस्पोर Al2O3 H2O, कोरंडम Al2O3 NSN, कैसिडियरेटाइट SNO3, लेड Pb, गैलेना Pb5 और सिरुसाइड, कॉपर क्यूप्राइट CuTuO, मेलिकाइट और एजुराइट, सिल्वर सिल्वर चांदी Ag, अर्जेंटाइट Ag2S और केजरीडाइट और रूबी सिल्वर, ये तीन इसके एस्क हैं। किसके सिल्वर के? अर्जेंटाइट, केजरीडाइट और रूबी सिल्वर। आयरन के कौन कौन से? हेमेटाइट Fe2O3 कंपटीशन में आते हैं और लिमोनाइट Fe2O3 3H2O। सिडोराइट पारा का क्या है? एक ही एस्क है, सिनेबार HGS, जिंक का जिंक ब्लेंड और जिंकाइड ZnS ZnO। यूरेनियम का क्या है? कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड U3O8। थोरियम का कौन सा एस्क है? मोनाजाइट है। मैंगनीज का Mn, मैग्नाइट Mn2O3 H2O। पायरोलुसाइट का MnO2। कैडमियम Cd, ग्रीनोकाइट KdS, सोना Au, कैलवे राइट AuTu2 सिल्वेनाइट। देखिए, जो लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना क्या है? जंग लगना एक रासायनिक चेंजिंग यानी रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहे के भार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है यानी उसका वजन बढ़ जाता है जंग लगने से। आयरन सल्फाइड Fe2O3, आयरन सल्फाइड लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। जब उसमें जंग लग जाती लोहे में तो आयरन सल्फाइड पदार्थ बन जाता है। ये भूरी परत के रूप में जो भूरा भूरा नहीं बन जाता है जंग लग जाती है, उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड यानी आयरन लोहा Fe2O3। O3 ओजोन का भी सूत्र है। लोहे के गैल्वेनाइट जस्तीकृत चादर पर जस्ते की परत चढ़ी रहती है। लोहे के गैल्वेनाइट जस्तीकृत चादर पर जस्ते की परत, मतलब जंग से बचाने के लिए लोहे को क्या चढ़ा देते हैं? जस्तीकृत कर देते हैं, गैल्वेनाइट कर देते हैं, चादर पर जस्ते की परत चढ़ी होती है। सिल्वर क्लोराइड को होम सिल्वर कहा जाता है, जिसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में होता है। सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड उपयोग कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल जो कृत्रिम वर्षा कराते हैं बादलों से, बादल बना के एटमोसफियर बना के, उसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड Si3। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिक बोलते हैं। देखो, जब मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर इसी का निशान लगाया जाता है। जब वोट गिरते हैं और जो स्याही लगाई जाती है, जिसको अमिट स्याही बोलते हैं, 10 से 15 दिन तक मिटती नहीं है, उसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट की स्याही बनी रहती है, जिससे अमिट स्याही होती है, आप लोग जल्दी से उसको मिटा नहीं सकते हैं, ताकि आपकी पहचान हो सके कि आप वोट कराए हैं। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है। अंडा जो होता है वो चांदी के चम्मच से नहीं खाया जाता, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है और चम्मच नष्ट हो जाता है, यानी जो चम्मच होती है वो खराब हो जाएगी, चांदी की चम्मच, उसमें दाग धब्बा पड़ जाएंगे, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड गैस बनाती है। प्लेटिनियम का सफेद होना, प्लेटिनियम क्या होता है? सोने से महंगा होता है। प्लेटिनियम को सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड। आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई चेन व्हाइट कलर की पहने रहता है, हम लोग सोचते हैं कि ये गिलट की पहने हैं, व्हाइट पहने हैं, बट वो प्लेटिनम होता है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः कैल्वेराइट और सिल्वेराइट अयस्क से किया जाता है। अब बात करेंगे उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें द नोबल गैसें भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसों को शून्य समूह भी बोलते हैं।
शून्य वर्ग भी बोलते हैं, कई उपनाम है इसके, शून्य वर्ग या वर्ग 18 के तत्व, इसको बोलेंगे हिने आर कक्षरण, यानी हिने आर कक्षरण मतलब ही से हीलियम, एन से नियान, ए से आर्गन। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, नियान आर्गन का 18 होगा, क्रिप्टान 24, जिनान 54 और रेडान अक्रियशील गैस है, यानी इनएक्टिव, अक्रियशील इनएक्टिव या निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैसेस कहते हैं। अक्रिय गैस है ना तो विद्युत धनात्मक और ना विद्युत ऋणात्मक। रेडान एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती। रेडान क्या है कि प्रकृति में नहीं पाई जाती है रेडान। अक्रिय गैसों की खोज लोकेयर रैले और रैमजी महोदय ने की। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा, जो वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसें हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी रहती है? आर्गन 18। वायु भरे गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है। जो वायु भरे गुब्बारे होते हैं हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। मतलब ये हुआ इसका कि जब भी गुब्बारे में जैसे गैस भर दी हाइड्रोजन, तो वो क्या करेगा, कुछ दूरी पे जाके फट जाएगा वायु से मिश्रण करके। बट अगर हीलियम, क्योंकि हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, तो हल्की होती है, घर्षण होती है, तो टायर वगैरह फटते नहीं है। गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण यानी बोरादा हीलियम का ले जाते हैं, तो उनको सांस लेने में आसानी होती है। पानी के अंदर जो नाक में लगाए रहते हैं गोताखोर, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त करते हैं। दमा और अन्य श्वास संबंधी बीमारियों में रोगियों के इलाज में कृत्रिम श्वास हेतु, जैसे कोई दमा का मरीज है या श्वास चल रही है इसकी, तो रोगियों के इलाज में कृत्रिम श्वसन हेतु ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त करते हैं। जो सिलेंडर लगाए जाते हैं उनके लिए, वो क्या लगाए जाते हैं, ऑक्सीजन के प्लस हीलियम का सिलेंडर रहेगा। अब ऑक्सीजन और हीलियम को 1:4 के अनुपात में मिलाकर कृत्रिम श्वसन गोताखोरों, कितने अनुपात में मिलाया जाएगा, ऑक्सीजन कितनी रहेगी 1:1 में और हीलियम कितनी रहेगी 4:1 में रहेगी। हीलियम कितने अनुपात में रहेगी 4:1 में रहेगी। विद्युत मरकरी लैंपों में आर्गन को पारा और नियान के साथ मिलाकर अलग अलग आकर्षण देने वाले बल्ब प्रदीप्त है। जैसे जो ट्यूबलाइट होती है उसमें क्या होता है कि आर्गन को पारा और नियान के साथ, मतलब पारा मरकरी नियान के साथ मिलाकर अलग अलग आकर्षक रंग बल्ब और ट्यूब जो रंगीन बल्ब बनाए जाते हैं, उनको आर्गन को पारा और नियान के साथ मिलाकर अलग अलग आकर्षक रंग देने वाले बल्ब और ट्यूब तैयार किए जाते हैं। ट्यूबलाइट होती है जो मुख्यतः आर्गन व पारे की बाष्प भरी जाती है। आप लोग कभी ट्यूबलाइट जो डैमेज हो ना, उसमें से व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है, वो आर्गन गैस भरी रहती है, पारे की बाष्प भरी रहती है। विद्युत बल्बों में जैसे जो विद्युत बल्ब रहते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में क्या भरी बोलते नहीं भैया, उस बल्ब की गैस निकल गई, यानी नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी रहती है बल्बों में। अब जो साइंस वाला होगा उसको पता होगा ये सब के क्या है, बाकी तो सब मोह माया है। जल वाटर, जल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक मृदु जल होता है, कठोर जल। मृदु जल को सॉफ्ट वाटर और कठोर जल को हार्ड वाटर। साबुन के साथ आसानी से जो झाग देता है उसको मृदु जल बोलते हैं, यह पीने योग्य होता है, इसमें शारीरिक वृद्धि होती है, आवश्यक खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं, इतनी जरूरत होती है। कठोर जल क्या होता है, साबुन के साथ पर्याप्त झाग नहीं देता है, ये पानी सही नहीं है, इसमें कपड़े साफ नहीं होते हैं, यानी ये मीठा नहीं है, ये क्या है, खट्टा कड़ुआ। इसमें मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट लवण उपस्थित होते हैं। जो कठोर जल होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम Mg और कैल्शियम Ca, बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट लवण उपस्थित होते हैं। अब कठोर जल में दो प्रकार की कठोरता होती है, टू टाइप्स, अस्थायी कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, अस्थायी। कैल्शियम
कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता, इससे जल को उबाल कर दूर किया जाता है। जैसे कोई जल को अगर गर्म कर लेंगे तो उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होने के कारण ऐसा होता है। तो उसको उबाल करके हम लोग यूज कर सकते हैं, गर्म करके पी वगैरह सकते हैं। स्थायी कठोरता क्या होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड लवण घुले होते हैं कि कारण उत्पन्न कठोरता। इसे दूर करने की मुख्य विधि है, एक परम्यूटेड विधि है, दूसरी क्या है कि सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उबालने से भी कठोरता दूर होती है। केतली में जल उबालने से उसकी आंतरिक परत में सफेद रंग की परत जम जाती है। केतली में जब भी पानी गर्म गर्म करते हैं, अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं जो व्हाइट कलर की परत जम जाती है। जल का शुद्धिकरण पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? इसको लाल दवा भी बोलते हैं, के एम एन ओ फोर कुएं वगैरह में डालते हैं, अशुद्धियां शुद्ध हो जाता है, पानी सही लगने लगता है। क्लोरीन गैस पोटाशियम फिटकरी आदि द्वारा, जैसे कोई जल में फिटकरी भी डाल देते हैं तो अशुद्धियां क्या करता है, पूरा निकाल लेता है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, यानी जो फल को संरक्षित किया जाता है वो किसके कारण होता है? सोडियम बेंजोएट के कारण। एक कंपटीशन क्वेश्चन है, पीसीएस वगैरह। किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी, जो पथरी हो जाती है किडनी में, स्टोन में, और रासायनिक दृष्टि से उसमें क्या जमा हो जाता है? कैल्शियम ऑक्जोलेट, जो टमाटर वगैरह ज्यादा खाते हैं, यूज करते हैं, उनको पथरी की शिकायत ज्यादा हो जाती है, तो पथरी के मरीज को टमाटर ना देने की सलाह दी जाती है। वो पदार्थ क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, CaCO2O4 होता है। मोती मुखता, जो मोती वगैरह नदियों में रहता है, सीप में छुपा रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO और निकोटीन होता है। निकोटीन तंबाकू में रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कहाँ से निकलता है? मोटरसाइकिल या बाइक वगैरह वाहनों के धुएं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जल्दी प्रतिक्रिया करता है और श्वास को अवरुद्ध कर देता है, सांस लेने में दिक्कत पड़ने लगती है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को ब्रंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। CaOCl2 को ब्रंजक चूर्ण। अब कार्बन मोनोऑक्साइड CO को दम घोटू या गला घोटू गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को रासायनिक रूप में सूखी बर्फ, ये सब पीसीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं। सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO2। करीब 10 से 15 बार ये पीसीएस, RO, सभी एग्जाम में, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है कि ठोस बर्फ, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठोस बर्फ या शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? सूखी बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2। कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 2 3 का उपयोग टूथपेस्ट, जब टूथपेस्ट बनता है कैल्शियम फास्फेट का यूज किया जाता है निर्माण करने में। कार्बन मोनोऑक्साइड CO की हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। मतलब जो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? खून में हीमोग्लोबिन नामक का एक पदार्थ होता है, उसी के कारण हम लोगों का खून क्या होता है, लाल दिखाई देता है। और बिच्छू को अगर मार के देखेंगे, दम हो अगर, तो उसका खून क्या होगा? हीमोसाइनिन के कारण नीला होता है। 250 गुना ऑक्सीजन की क्षमता थे, जो बंद बन जाएगा तो ऑक्सीजन अवरुद्ध हो जाएगी। जिंक फास्फाइड, जो चूहा वगैरह परेशान करते हैं, तो जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा मार दवा के रूप में होता है। बोलते नहीं, चूहा मार दवा फटाफट, जल्दी मरेंगे चूहे,
किसका यूज करते हैं? जिंक फास्फाइड का। कोई भी चीज बिना प्रैक्टिकल के नहीं बनी है, सब किसी ना किसी चीज का मतलब। मूत्रालयों के पास, जो मूत्रालय यानी टॉयलेट होते हैं सार्वजनिक, नाक में चुभने वाली गंध, मूत्र में उपस्थित अमोनिया, अमोनिया यानी NH3 के कारण हम लोगों को गंध आती है, हम लोग मुंहदाप के बाथरूम करने जाते हैं। सीमेंट, सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम सिलिकेट व कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सिलिका Si2, एल्यूमिनियम Al2O3, फेरिक व मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि से निर्मित होता है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के हेतु किया जाता है। मतलब सीमेंट जैसे कहीं पे यूज हुआ, सीमेंट में जिप्सम का उपयोग किया जाता है सीमेंट को शीघ्र जमने से, कि तुरंत ना जमे, कुछ टाइम बाद जमे। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज इंग्लैंड निवासी जोसेफ ऑस्पाडन ने 1824 ईस्वी में की थी। प्रमुख कांच, उसके संघटक व उपयोग। जो प्रमुख कांच है, संघटक व उपयोग, सोडा कांच, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। सोडा कांच से क्या होता है? ट्यूबलाइट, बोतलें, दैनिक उपयोग के बर्तन सोडा कांच से बनते हैं। और फ्लिंट कांच से क्या बनता है? विद्युत बल्ब बनता है, कैमरे बनते हैं, कैमरा के कांच होते हैं, और दूरबीन के लेंस। फ्लिंट कांच सोडियम कार्बोनेट, लेड और ऑक्साइड सिलिका का संघटक होता है। क्रूक्स कांच से धूप के चश्मे के लेंस, जो धूप के चश्मे बनते हैं वो क्रूक्स कांच से बनते हैं, सोडियम ऑक्साइड और सिलिका मिला रहता है। क्राउन कांच से क्या होता है? क्राउन कांच से पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड सिलिका का मिश्रण होता है। जो चश्मों के लेंस बनते हैं वो क्राउन कांच से बनते हैं, क्रूक्स कांच से धूप के चश्मे बनते हैं। सीसा क्रिस्टल कांच से क्या होता है? महंगे कांच पात्र बनते हैं, क्रिस्टल कांच से, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, सिलिका। उर्वरक, फर्टिलाइजर, सूर्य के प्रकाश और जल के अतिरिक्त पौधों की वृद्धि विकास के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को इंग्लिश में बोले तो उर्वरक बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश और जल के अतिरिक्त पौधों की वृद्धि और विकास के लिए 16 एलिमेंट यानी तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें क्या होते हैं कि कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, जब हम लोग खाद वगैरह डालते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 40% ये सब रहती है। फास्फोरस, पोटास, कितने परसेंट पोटास है, पोटेशियम। द्वितीय पोषक तत्व क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और बोरान। प्रमुख उर्वरक व उनके अनुप्रयोग यानी नाइट्रोजनी उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है? इस प्रकार के उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, जैसे खाद वगैरह यूरिया वगैरह नहीं देते हैं फसल को, उसमें नाइट्रोजनी उर्वरक रहते हैं। अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, नाइट्रोजन 20 से 30% तक, मृदा पर अम्लीय प्रभाव। कैल्शियम साइनाइड CaCN2, नाइट्रोजन 40% CaCN2 वह कार्बन का मिश्रण नाइट्रोलियम कहलाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन 20%, फास्फेटिक उर्वरक। क्या? फास्फेटिक उर्वरक, इस प्रकार के उर्वरक मृदा में फास्फोरस की कमी पूरा करते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। कैल्शियम सुपर फास्फेट व जिप्सम CaSO4 2H2O फल व बीज के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीके से केमिस्ट्री मैराथन क्लास हुई है। अब मिश्र धातु क्या होती हैं? एलॉय। मिश्र धातुएं अपनी अवयवी धातुओं से कठोर होती हैं। क्यों? पीतल, पीतल को ब्रास बोलते हैं। उनके संघटक, पीतल में क्या होता है कि 70% तो क्या मिला रहता है? कॉपर मिला रहता है, और 30% किसका मिश्रण रहता है? जिंक का। पीतल में कॉपर और जिंक का मिश्रण पीतल
कहलाता है। अनुप्रयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में और अन्य उपकरण बनाने में। कांसा, कांसा को ब्रांज बोलते हैं, ब्रांज। कॉपर 88% और एसएन 12%। बर्तन, मूर्तियां और सिक्के बनाने में। टांका, शोल्डर धातुओं को जोड़ने और टांका लगाने में। पीवी 50 से 70%, एसएन 30। गन धातु, मेटल, बंदूक, टोप और गियर, गियर और बेयरिंग। गियर बहुत कठोर धातु के बनते हैं, गन धातु ऐसी बनती है। बंदूक, बेयरिंग, कॉपर 88%, एसएन 10%, जिंक 20%। टाइप धातु, टाइप मेटल, मुद्रण, कृत्रिम सोना। बोलते नहीं है कि ये भैया कोई चेन ले लो 10 रुपए में सोने कैसी फीलिंग। कृत्रिम सोना, उसको रोल्ड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है कृत्रिम सोना में, 90% तो कॉपर का मिश्रण रहता है और 10% क्या रहता है, एल्यूमिनियम। तो आभूषण और मोतियम कृत्रिम सोना। जर्मन सिल्वर क्या होता है, कॉपर 50 से 60%, जिंक 35% और निकल 15%। बर्तन मूर्तियां बनाने में यूज होता है। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम से क्या होता है, जहाज और वायुयान की जो बॉडी बनाई जाती है उसमें एल्युमिनियम यानी आयरन, लोहा 95% और मैग्नीज 5%। ड्यूरा, ड्यूरा लूमेन, वायुयान प्रेशर कुकर, जो प्रेशर कुकर बनते हैं वो क्राई के बनते हैं, ड्यूरा लूमेन के बनते हैं वायुयान, क्योंकि इनमें हवा भरती है तो एक फटे ना, इसलिए बनते हैं। एल्युमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीज, मैग्नीशियम वा एमएन 1%। एल्युमिनियम ब्रांच, मुद्रा, आभूषण, सिक्के बनते हैं कॉपर ना। स्टेनलेस स्टील सबसे अच्छा स्टील, स्टेनलेस स्टील। आयरन, लोहा Fe 73%, Cr 18%, कृत्रिम निकल 8% और कार्बन 1%। मोटर गाड़ी और बर्तन बनाने में स्टेनलेस स्टील का यूज होता है। पारे HG के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। पारे HG के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाती है, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। पारे को किसके पात्र में रखा जाता है, लोहे के पात्र में रखा जाता है। कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रमुख कार्बनिक यौगिक कौन, उनके अनुप्रयोग, यौगिक कौन प्रयोग। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट जो एक यौगिक है, इसका क्या यूज है, सोडियम बेंजोएट अचार, मुरब्बे, चटनी और फलों के रस आदि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। अगर आप सोडियम बेंजोएट यौगिक को मिला देंगे या उसमें रख देंगे तो जो अचार होते हैं वो खराब नहीं होंगे, मुरब्बे, चटनी, फल के रस आदि में। जब बोलते नहीं है, जब अचार की पैकिंग होती है तो उसमें सोडियम बेंजोएट मिला दिया जाता है और जो उस पन्नी में गैस भरी रहती है, कुरकुरे का चिप्स का पैकेट देखेंगे फूला हुआ रहता है, वो किसके कारण रहता है, नाइट्रोजन भरी रहती है उसमें, जिससे वो क्या है, खराब ना हो। और बेंजोइक अम्ल, एक सोडियम बेंजोएट होता है और एक क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में जल्दी से खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल, मोटर गाड़ी में प्रतिहिमकारक के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का यूज करते हैं। पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, शॉर्ट सर्किट से लगी आग बुझाने में। जब घर वगैरह में कोई लाइट से आग लग जाती है कि भैया शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तो वो पानी से नहीं बुझाई जाती है, क्योंकि पानी से बुझाएंगे ऑक्सीजन मिल जाएगी और आग पकड़ लेगी, पानी में ऑक्सीजन होती है। तो उसको क्या करेंगे कि पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का घोल डालेंगे पाउडर, तब जाके वो आग कम होगी। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल क्या होता है, बेकिंग पाउडर के रूप में इसका यूज करेंगे, टार्टरिक अम्ल का, इमली वगैरह में सब होता है। सिट्रिक अम्ल क्या होता है, अचार मुरब्बों के परिरक्षण में होता है। सिट्रिक अम्ल अचार मुरब्बों के परिरक्षण में। नेप्थलीन, नेप्थलीन इसकी गोलियां कपड़ों के बीच में रखने पर कीड़े नहीं लगते हैं। आप लोगों ने स्टैंडर्ड कपड़े या जूते देखे होंगे तो उसमें व्हाइट कलर की गोलियां कुछ रखी रहती हैं, वो नेप्थलीन की गोलियां होती हैं। किसकी गोलियां होती हैं, नेप्थलीन की गोलियां होती हैं, जिससे काफी समय तक कपड़े खराब नहीं होते हैं, मतलब उसमें कोई दाग आग वो नहीं लगते हैं
और कीड़े नहीं लगते हैं। अश्रु गैस, टीयर गैस। जब कहीं दंगा फसाद होता है तो पुलिस क्या करती है कि अश्रु गैस के गोले दागती है भीड़ को तितर बितर करने में, जिससे उनको कुछ समय के लिए दिख नहीं पाता है, भीड़ शांत हो जाती है, भाग जाती है। क्लोरीटोन, यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, जैसे वैष्णो देवी या कोई चढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्लोरीटीन दवा जो होती है वो चक्कर ना आए आपको दी जाएगी। गेमेक्सिन या डीडीटी। डीडीटी कीटाणुनाशक बोलते नहीं, पहले डीडीटी की दवा गांव में जाके छिड़की जाती थी, वो मच्छर मारने की दवा है कीटाणुनाशी के रूप में। मरकैप्टन, एलपीजी के रिसाव का पता चलना। क्या होता है कि जो सिलेंडर होता है खाना बनाने का, एलपीजी गैस सिलेंडर, उसमें मरकैप्टन नामक एक पदार्थ मिला दिया जाता है, जिसकी गंध के कारण हम लोगों को पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है, क्योंकि गैस निकलेगी। कैसे पता चलेगा? तो मरकैप्टन नामक एक पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे हम लोगों को गंध आती है, एलपीजी का भैया रिसाव हो रहा है, तो हम लोग उसका बंदोबस्त कर देते हैं, मरकैप्टन नामक पदार्थ मिला दी। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा भी बोलते हैं, जीवाणुनाशी दवा के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट, PmNO4, कुएं वगैरह में जीवाणुओं को नष्ट करने, जैसे किसी कुएं में या किसी जल में कीड़े वगैरह पड़ गए हो तो पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर डाल दो, सही हो जाएगा। इथेफोन और कैल्शियम कार्बाइड, फलों को पकाने में, जैसे केला जो आता है वो वहां से कच्चा आता है, अगर पका आएगा तो यहाँ पे पूरा खराब हो जाएगा, उनको नुकसान हो जाएगा। तो कच्चे केलों का व्यापार होता है, यानी इधर उधर आदान प्रदान होता है, या कोई फल वहां से कच्चे आते हैं फलों को पकाने के लिए, इथिफोन और कैल्शियम कार्बाइड का क्या कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, तो फल क्या कर जाते हैं, पक जाते हैं। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट क्या है, व्हाट इज पॉलीकार्बोनेट? बुलेट प्रूफ ग्लास, जब बुलेट प्रूफ गैस वो जैकेट बनती है, कोई बड़े बड़े लोग, नेता, मंत्री, विधायक है, जिसकी सुरक्षा जरूरी है, उसको बुलेट प्रूफ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं, आर्मी के जवान वगैरह आतंकवादी उसने पढ़ने लड़ाई में पहना दिया जाता है, जिससे गोली क्या करती है, फिसल जाती है, सीधी न जाके फिसल के साइड से निकलेगी, पॉली कार्बोनेट का यूज होता है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है। एलिथ्रिन और पायरेथिन, मच्छर भगाने वाली दवा ओक्लोइड के रूप में। देखिए, जो बोलते नहीं है, एक मोर्टिन आती है और एक में तो एल